नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, पंचायत चुनाव में सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई है और इसके साथ साथ कोरोना का प्रभाव भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, आपको अपने आप को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप चुनाव ड्यूटी पर जाते हैं, हालांकि हम सरकारी कर्मचारी हैं तो चुनाव ड्यूटी तो हमें करनी होगी, इसके साथ साथ आपको अपना ख्याल भी रखना होगा। मुजफ्फरनगर में आंकड़े यही कह रहे हैं, जो भी शिक्षक साथी चुनाव ड्यूटी पे से आ रहे हैं उनमें से 25% शिक्षकों की हालत बिगड़ती जा रही है। तो साथियों, जब भी आप चुनाव ड्यूटी पे जाएं तो अपने आप मास्क पहने, सैनिटाइज़र लेके जाएं और ग्लव्स लेके जाएं, अपना बहुत ध्यान रखें। इसके साथ साथ जब आप चुनाव ड्यूटी से वापस आएँ तो अपने आप को क्वारंटीन जरूर करें, क्योंकि मेरी भी चुनाव में ड्यूटी थी और चुनाव में ड्यूटी होने के बाद मेरी भी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन कब तक खाली बैठूं, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूं। देखिए, अमर उजाला में खबर भी आई है कि चुनाव ड्यूटी देने वाले 25% कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ट्रेनिंग के दौरान और ड्यूटी का सामान वितरण के दौरान अधिकारी और कर्मचारी बड़े स्तर पर संक्रमित हुए हैं। चुनाव ड्यूटी के बाद 25% से अधिक कर्मचारी कोरोना महामारी की चपेट में हैं। वहीं प्रचार के दौरान प्रत्याशी और आम जनता में कोरोना का प्रसार हुआ है। यही कारण है शहर में ज़्यादा संक्रमित अब गाँव में आने शुरू हो गए हैं। जिले में कोरोना महामारी की व्यापकता का काम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ने किया है। कर्मचारियों को जब एक जगह एकत्र कर ट्रेनिंग दी गई तो इंटर कॉलेजों में 40 शिक्षक संक्रमित हुए। बेसिक शिक्षा के भी लगभग 50 शिक्षक इसकी चपेट में हैं। अलग अलग विभागों के भी लगभग 40 कर्मचारी कोरोना में संक्रमित हैं। इन सबकी चुनाव में ड्यूटी काटनी पड़ी। नामांकन प्रक्रिया, चुनाव ड्यूटी के दौरान RO और ARO भी चपेट में आ गए। चुनाव के बाद इनका आंकड़ा सामने आ रहा है। जानसर ब्लॉक के RO जिला उद्योग केंद्र पर महाबंधक खुद कोरोना पॉजिटिव हैं और उनके 5 ARO भी को भी कोरोना है। बगरा ब्लॉक में 6 ARO कोरोना संक्रमित हैं। DIOS गजेंद्र सिंह का कहना है कि ड्यूटी से पहले के 40 शिक्षकों के संक्रमित होने की जानकारी उनके पास है। इसके साथ साथ काफी शिक्षकों की तबीयत खराब है, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो साथियों, अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आप अपना ध्यान रखें और इसके साथ साथ चुनाव से आने के बाद भी अपना ध्यान रखें, अपने आप को क्वारंटीन रखें कम से कम 13-14 दिन तक, क्योंकि शिक्षकों की हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। साथियों, इस वीडियो में ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सभी की हालत ख़राब है, तो इसलिए अपना ध्यान रखें और दुआ करें कि हमारे सभी शिक्षक साथी सही हो जाएं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी तो नहीं लगी होगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।